नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के रण का छठवां चरण, सीएम धामी की आज दो चुनावी सभाएं, कुरुक्षेत्र और करनाल में मांगेंगे वोट। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही तेज होगा वेरिफिकेशन ड्राइव, सीएम धामी ने कहा नहीं बिगड़ने देंगे राज्य का मूल स्वरूप, जल्द होंगे सत्यापन। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी सजग, अब यात्रा के लिए बनेगा प्राधिकरण, संस्थाओं और विभागों से मांगेंगे सुझाव। दिनेशपुर पुलिस टास्क फोर्स ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर मारा छापा, नकली शराब बनाने का खुलासा, फैक्ट्री मालिक और दो तस्कर अरेस्ट। उधम सिंह नगर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, एक दर्जन से अधिक बाइक बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार, दो आरोपी फरार। और खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के रण में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव के छठवें चरण में सीएम धामी आज संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र और करनाल में चुनावी सभाएं करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों और मोदी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। सीएम धामी की पहली सभा 12 बजे कुरुक्षेत्र और शाम 4 बजे दूसरी सभा करनाल में प्रस्तावित है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, छठे चरण के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, आज उनकी कहां कहां रैली प्रस्तावित है? निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार जो है चुनाव प्रचार में जमे हुए हैं, क्योंकि वो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और इसी कड़ी में जब छठवें दौर का चुनाव होना है उससे पहले वो एक बार फिर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और अगर आज की बात कर ली जाए तो आज जो है जो कुरुक्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं नवीन जिंदल, उनके पक्ष में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो जो पानीपत में जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी जनसभा को भी आज वो संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं हरियाणा में अपना डेरा जमाए हुए हैं और हरियाणा में जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार जो वहां की जनसभा में संबोधित करने के दौरान वो उन प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार अपील की वोट भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार वो अपील कर रहे हैं। जी भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए। प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद वेरिफिकेशन ड्राइव तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार पूर्व में ही सख्त धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून लाने का काम कर चुकी है और अब सत्यापन के माध्यम से ये कोशिश तेज की जाएगी। हमारी नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और हम शुरू से कहते आए हैं कि वेरिफिकेशन ड्राइव हम पहले भी चलाई थी, इस बार और सख्ती से उसको चलाएंगे, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। उसके लिए ही हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए, उसके लिए ही हमने दंगारोधी कानून बनाया है,
उसके लिए ही हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का जो इंक्रोचमेंट अवैध कब्जे थे उसको हटाने का काम किया है, ये काम हमारा आगे भी चलेगा। चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए अब राज्य सरकार ने अधिकारियों को फील्ड में भेजने के साथ साथ दूसरे विकल्पों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब यात्रा के लिए प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिससे प्राधिकरण बनाने के लिए जरूरी संस्थाओं और विभागों से भी सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण बनने के बाद यात्रा और सुव्यवस्थित हो जाएगी, यात्रा पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सभी प्रकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का कई अव्यवस्थाओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, कई घंटे लोगों को जाम में फंसे रहने पड़ा, अव्यवस्थाओं से लोगों की नाराजगी का पारा हाई है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचारों में व्यस्त दिखे। सोमवार को सीएम ने अधिकारियों की बैठक ली और दावा किया कि चारधाम यात्रा में होने वाली परेशानियों का निराकरण कर लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, श्रद्धालुओं को होने वाली शुरुआती दिक्कतें दूर हो गई हैं। देखिए, चारधाम में अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है, श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज़्यादा हैं, तो हमारा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। चारधाम में शामिल केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु बंदोबस्त से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। प्रशासन भी एकदम चुस्त दुरुस्त है यहाँ का और हर चीज की व्यवस्था अच्छी है, चीज की मुझे सुविधा यहाँ मिली है, रहने से लेके खाने तक की हर चीज की सुविधा है यहाँ। बहुत बढ़िया पार्किंग सब, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। जैसे सोनप्रयाग से पार्किंग करो, आगे टैक्सी की व्यवस्था अच्छी है, ऊपर खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, यह थोड़ी रुकावट होती है हर चीज के लिए होती है, पर बहुत अच्छा है। पिछले हफ्ते राज्य प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन की सहूलियत बंद करने का फैसला किया था। चार धाम है केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। तीर्थयात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील बनाने पर रोक लगी है। रुद्रप्रयाग में सोमवार को पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान मद महेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं और मंत्रोच्चारण और सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में शुभ लग्नानुसार ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के पावन अवसर पर 350 के करीब भक्तों ने पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की। वहीं पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश ने मद महेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया। भगवान मद महेश्वर के कपाट खुलते ही यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी है। ब्रह्मबेला पर गोंडार गांव में मद महेश्वर धाम के प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग ने पूजाएं संपन्न करवाईं और भगवान मद महेश्वर सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया। यहाँ भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली का भव्य श्रृंगार और आरती की गई। इसके बाद डोली गोंडार गांव से कैलाश के लिए रवाना हुई। भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ने मुख्य मंदिर की 3 परिक्रमा कर सहायक मंदिरों में शीश नवाया। इसके बाद भगवान मद महेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं और मंत्रोच्चारण के साथ ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए गए। भगवान
11:15 बजे के आसपास भगवान अपना मंदिर में विराजमान हो गए थे। पहले भगवान का परिक्रमा हुआ, उसके बाद भगवान अपना अपना पूजा पड़ताल की देखभाल देख लिया था। इसके बाद भगवान जी का अंदर विराजमान हो गए भगवान का ढूंढी। इसके बाद समाधि का पूजा विधि विधान के हटा के भगवान का निर्मल दर्शन प्राप्त होने के लिए कुछ समय के बाद पूजा पाठ सभी लोगों ने दर्शन प्राप्त हो जाएगी। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के वीआईपी गेट पर कुछ देर धरना देकर वीआईपी दर्शन का विरोध किया। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति के विरोध में नारेबाजी भी की, साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद होने चाहिए, वीआईपी दर्शन के कारण लाइन में लगे भक्तों को घंटों तक दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मंदिर समिति अपने लाभ के चक्कर में शासन के निर्देशों की अवहेलना कर रही है। जब शासन ने वीआईपी दर्शन पर रोक लगा रखी है तो फिर क्यों वीआईपी दर्शन करवाए जा रहे हैं? राजस्थान से पैदल आए हैं। अच्छा। और हमें दर्शन नहीं हुआ अभी तक। हाँ। और जो वीआईपी आ रहे हैं उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं वीआईपी व्यवस्था पे? भाई साहब, आज सुबह जो है एक लड़के ने 4-5 लोगों को अंदर जाते हुए देखा, पुलिस वाले और यहाँ के जो दलाल हैं उन्होंने अंदर किया तो उसने विरोध किया तो उसको लाठी से मारा गया, खून उसके निकला। यहाँ पे 21 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ, 4 बजे लाइन में लगा हूँ, जिसके पास ऐसे उसको कर के दर्शन हो जाते हैं, हमको नहीं। क्या हमारी भावना उनसे कम है? पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र रुईनाथल गांव के ग्रामीण पेयजल समस्या से परेशान होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पेयजल की समस्या होने पर जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और कहा कि पूरा गांव पेयजल की किल्लत से परेशान है लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करोड़ों की योजना खर्च होने के बाद भी गांव के लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने एसडीएम यशवीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव में पिछले 2 वर्षों से पानी की समस्या है लेकिन जल संस्थान पानी नहीं दे रहा है और बिल लगातार दे रहा है। ग्रामीणों ने गांव की पेयजल योजना की जांच करने के साथ पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। वहाँ तो पानी है ही नहीं बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल पाइपलाइन जहाँ भी है वो कट फूट बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, मतलब कहीं पर पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है। स्कूल के विद्यार्थी भी यहाँ तक परेशान है, गांव की महिलाएं परेशान है, जाए तो कहाँ जाए आखिर हम। इसके लिए मतलब हम वो कहते हैं कि हमारी वो ये जो ये मांग है इसको जाँच की जाए या पानी पहुँचाने का वो किया जाए। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां दिनेशपुर पुलिस के साथ छापा डालते हुए नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। दिनेशपुर थाना अंतर्गत जयनगर से एसटीएफ स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में तैयार की हुई गुलाब मार्का शराब, शराब बनाने के उपकरण, अवैध केमिकल, कच्चा माल, खाली बोतल के साथ शराब तस्करी में काम आने वाली एक कार और स्कूटी को बरामद किया है। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 शराब तस्करों के अलावा मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बेसिकली लगातार इसमें संयुक्त कार्रवाई हम लोग करते रहते हैं, जिसमें अवैध रूप से देसी या अन्य प्रकार की जो अवैध शराब है उसको बनाने के जो भी लोग जिसमें लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग लगातार करते रहते हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें कि एसटीएफ और थाना दिनेशपुर और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और इसमें 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और बड़ी मात्रा में इनसे नकली देसी शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया और इस पकड़ से डेफिनेटली जो है नकली शराब बनाने का जो कारोबार है उस पर हम लोग उस पर अंकुश लगाने में हमें कामयाबी मिलेगी और साथ में जो इसमें 1-2 लोग और भी इन्वॉल्व हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे प्रॉपर। और उधम सिंह नगर जनपद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जिले के तमाम क्षेत्रों से चोरी की गई 14 बाइक बरामद कर बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता ये हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है जबकि 2 वाहन चोर आरोपी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए वाहन चोरों के कब्जे से चोरी की 1 दर्जन से अधिक बाइक बरामद की है। पुलिस गिरफ्तार वाहन चोरों की कुंडली खंगाल रही है।
कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है, सारे हाई एंड मोटरसाइकिल है मैक्सिमम। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाली बरामदगी नहीं है कि इधर उधर का, हमारा ही बरामदगी है। 4 रुद्रपुर थाने का मुकदमे दर्ज है इन पे, 2 पंतनगर थाने का मुकदमे दर्ज है, 2 TCP ट्रांजिट कैंप का है, 2 किच्चा का है, 1 शेरगढ़ थाना है, बरेली जिला है, यूपी का है। तो कुल मिला के 14 में से हमारा 11 मोटरसाइकिल्स ऑलमोस्ट ट्रेस हो चुके हैं, तो जिसको हम लीगली ओनर्स को हम लौटाने की कार्रवाई करेंगे द्वारा कोर्ट्स, ये बेहतरीन कार्रवाई है। कुल मिला के 3 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं उस। सूरी में पर्यटन सीजन को देखते हुए खादापूर्ति विभाग जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशों के बाद खादापूर्ति विभाग, फायर सर्विस, फूड एंड सिविल सप्लाई नापतोल विभाग सीजन के अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिनके द्वारा मसूरी और आसपास के पर्यटन क्षेत्र में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में अनियमितताएँ और गंदगी पाई गई। खाद्य पदार्थ भी एक्सपायरी डेट के मिले, जिनको टीम द्वारा मौके पर नष्ट किया गया। तो वहीं कई होटलों में पर्यटकों को परोसे जाने वाले खाने में भी कमियां पाई गईं। दूसरी ओर मसूरी के कई होटलों, रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा अपने प्रतिष्ठान में कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर प्रयोग करते हुए पाए गए, जिनको जब्त कर चालान काटा गया। एक टीम गठित हुई है जिसमें फूड एंड सिविल सप्लाई, वेट मेजरमेंट और फायर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट शामिल है। तो हम लोग लगातार जो है माल रोड पे जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। कई जगह कुछ खामियां मिली हैं, जैसे होटल में गंदगी मिली है, कुछ जगह एक्सपायरी मिल रहे हैं, तो उनको तत्काल मौके पर नष्ट किया गया और नोटिस दिया जा रहा है कि साफ़ सफाई रखेंगे। कुछ एक जगहों पर सिलेंडर भी, घरेलू सिलेंडर मिले हैं, जिनको हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने जब्त भी कर लिया है और उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। यमुनोत्री में जिला पंचायत द्वारा लिए जा रहे व्यवस्था शुल्क को लेकर पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 2,40,00,000 रुपए व्यवस्था शुल्क जिला पंचायत द्वारा लिया गया, जबकि प्रत्येक वर्ष इसी तरह लिया जा रहा है। वहीं इस बार 800 रुपये प्रत्येक घोड़े स्वामी से पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही कहा कि व्यवस्था उसके बावजूद भी सुदृढ़ नहीं हो पाई, घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त मात्रा में रहने की व्यवस्था नहीं है, जबकि कुली मजदूरों के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं बन पाई है। जिला पंचायत जो है वो पहले से ही जो है, जैसे जो जिला पंचायत एक्ट के तहत जो उनकी उपविधियाँ हैं उससे वो होटलों से, व्यवसाय वालों से, उससे टैक्स तो लेते ही हैं, लेकिन कुली एजेंसी का भी संचालन पहले से जिला पंचायत करती आई है और इस समय तो लगभग 2,40,00,000 जो है जिला पंचायत को उससे कुली एजेंसी से आय हो रही है। 800-800 रुपये प्रति घोड़े के रजिस्ट्रेशन का जो है शुल्क लिया जा रहा है, हज़ारों घोड़े हैं तो इतनी आय जो आ रही है, तो मैं समझता हूँ जिला पंचायत को उनके लिए कम से कम घोड़े खच्चरों के लिए कुछ व्यवस्था हो, शेड बने ताकि वो बरसात से, धूप से बच सकें, और जो हजारों हजारों की संख्या में वहाँ पे कुली घोड़े वाले ये लोग रहते हैं, इनके लिए शौचालयों की बहुत अपर्याप्त व्यवस्था है, उन शौचालयों का भी निर्माण होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने लोह शिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए लोहाघाट में ग्रोथ सेंटर की स्थापना की थी और इसका शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। ग्रोथ सेंटर में क्षेत्र के लोह शिल्पियों द्वारा लोहे से बने उत्पादों को तैयार किया जाता है, जिनकी मांग दूर दूर तक है। ग्रोथ सेंटर में 100 से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। ग्रोथ सेंटर के प्रबंधक अमित कुमार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन अब ग्रोथ सेंटर के ऊपर रेस्टोरेंट निर्माण की तैयारी कर रहा है।
तैयारी उन्हें वहां से हटाने की साजिश कर रहा है। अमित कुमार ने कहा कि इस समस्या को लेकर सभी महिला और पुरुष लोह शिल्पी डीएम चंपावत से मिले, लेकिन डीएम चंपावत के द्वारा उनकी समस्या तक नहीं सुनी गई, जिस कारण समस्त लोह शिल्पियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन अनुसूचित जाति के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। और 2020 को ये ग्रोथ सेंटर हमारा यहाँ पर खुला हुआ है। तो लोहारगिरी जो है हमारा पुश्तैनी काम है, बहुत पुश्तों से ही हम लोग जो है लोहारगिरी का कार्य करते आ रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जो है उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये ग्रोथ सेंटर योजना के तहत जो है यहाँ पर ये ग्रोथ सेंटर हमारा यहाँ पर खोला गया था, लेकिन 4 वर्ष इस ग्रोथ सेंटर को खुले हो गए हैं। ये काफी अच्छा हमारा ये ग्रोथ सेंटर चल रहा है, जिससे सभी लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा आज हमारे इस ग्रोथ सेंटर को चलते हुए नहीं देखा जा रहा। तो हमारी सुनी नहीं कुछ, जब वहां गए तो डीएम बोलते हैं बोलो मत, आपका डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपका काम का हर्जा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हमने कहा अगर वहां रेस्टोरेंट खुला जाएगा तो वहां तो 50 लोग आएंगे, हमारा डिस्टर्ब तो वैसे ही हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ।